हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट का अपना लास्ट चैप्टर चैप्टर नंबर 6 टैक्सेशंस एंड रेगुलेशंस बना रहे हैं। तो जो मेरा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये जो शुरुआत के 5 चैप्टर हैं मैंने पूरे कंप्लीट कर दिए क्लास 11th में। क्लास 10th भी कंप्लीट है, क्लास 9th भी कंप्लीट है। तो आप सभी 9 to 11th के सारे टॉपिक्स मैंने कवर कर दिए हैं। तो हाँ, बस मैं आपको यही कहना चाहती थी कि जो प्रीवियस वीडियोस हैं यानी कि जो प्रीवियस चैप्टर्स हैं आप उन्हें कंप्लीट कर लीजिए ताकि आप एक फ्लो में कंटिन्यू करते रहें। तो आज हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर की स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट होने वाला है। चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, ज़्यादा लेंदी नहीं है, तो इसे हम इसे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हमें चैप्टर का नाम दिया है टैक्सेशन एंड रेगुलेशंस। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो भी हमारी सिक्योरिटीज़ है उस पर किस तरह से टैक्स को हम इंक्लूड करते हैं और किस तरह से उन सिक्योरिटीज़ को जो टैक्स है उन्हें रेगुलेट किया जाता है। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि किस तरह से टैक्स लगता है, किस किस तरह से उसे रेगुलेट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है इसे हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखो क्या दिया है इसमें, स्टार्ट करते हैं। टैक्सेशन इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड मस्ट बी अंडरस्टूड प्राइमरली फ्रॉम कैपिटल गेन्स सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स एंड डिविडेंड्स पॉइंट ऑफ व्यू। टैक्स रूल्स डिफर्स फॉर इक्विटी एंड डेप्ट स्कीम्स एंड ऑल्सो फॉर इंडिविजुअल NRIs, OCBs एंड कॉरपोरेट्स। इन्वेस्टर ऑल्सो गेट बेनिफिट अंडर, अच्छा देखो ये अलग चीज़ है। ये देखो इसमें क्या बोला है कि टैक्सेशन जो है, टैक्स यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी हम सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं, जब हम किसी भी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट अपना पैसा करते हैं तो उस पर क्या लगता है, उसमें हमें एक टैक्स पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें यही बोला है कि यहाँ पे जैसे कि अगर हम टैक्स पे करते हैं, तो जैसे म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें तो उसमें भी अलग अलग टाइप के क्या होता है, टैक्स होते हैं। जैसे कि फॉर कैपिटल गेन, आपने जो पैसा कमाया उसके ऊपर टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो फिर आपने जो पैसा उस पर रिटर्न जो जनरेट किया उसके ऊपर आपको एक टैक्स देना पड़ेगा, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स देना पड़ेगा, आपको डिविडेंड जो आपको मिला उसके ऊपर आपको एक टैक्स देना पड़ेगा। तो ये म्यूचुअल फंड के हिसाब से कुछ टैक्स होता है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, इक्विटीज़ की बात करते हैं, डेप्ट स्कीम्स की बात करते हैं, तो इन सब में क्या होता है, इन सब में थोड़ा जो टैक्स का पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या है, थोड़ा सा अलग है और उसमें कुछ अलग अलग रूल्स भी होते हैं। जो हमारी इक्विटी, डेप्ट स्कीम्स, ये सारी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इनमें जो टैक्सेशन है वो थोड़ा अलग तरीके से किया जाता है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले हमें दिया है, पहले तो ये लाइन पढ़ लेते हैं। इन्वेस्टर ऑल्सो गेट बेनिफिट अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट इफ़ दे इन्वेस्ट इन अ स्पेशल टाइप ऑफ इक्विटी स्कीम, नेमली इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। यानी कि अगर इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, अपना पैसा इक्विटी स्कीम्स यानी कि स्पेशल टाइप ऑफ इक्विटी स्कीम्स में इन्वेस्ट करें, यानी कि अगर वो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्टर अपना पैसा इन्वेस्ट करता है तो इनकम टैक्स के एक्ट के दौरान, 80C के एक्ट के दौरान क्या होता है, जो इन्वेस्टर्स हैं उसे कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स यहाँ पे मिलते हैं। यानी कि आपको क्या करना है, आपको अगर आप इन्वेस्टर हो और आपको क्या चाहिए, बेनिफिट चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो स्पेशल टाइप की इक्विटी स्कीम्स होती है जैसे कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स में अगर आप क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हो, तो इन्वेस्टर्स को क्या मिलता है, एक यहाँ पे बेनिफिट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। तो ये हमारा क्या है, इनकम टैक्स 80C का एक सेक्शन है। सो अब देखो 6.1 में क्या दिया है, कैपिटल गेन्स टैक्सेशन। यानी कि अब जो हम कैपिटल गेन करते हैं, यानी कि जब हमने इन्वेस्ट किया तो हमने कुछ प्रॉफिट कमाया होगा, कुछ इंटरेस्ट हमें बना होगा, कुछ हमारी कैपिटल बढ़ी होगी, तो उसके ऊपर उसके हिसाब से हमें किस तरह से टैक्स पे करना पड़ता है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की, यहाँ पे हम म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड्स में जब हम क्या करते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो जब देखो अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी कि मोर देन 12 मंथ होल्डिंग पीरियड, यानी कि अगर हम क्या करते हैं म्यूचुअल फंड में इक्विटी स्कीम्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं और एक साल से ज़्यादा के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ता, आपका 0% क्या होता है, टैक्स होता है। और अगर हम क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए म्यूचुअल फंड में इक्विटीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो, शॉर्ट टर्म यानी कि 12 महीने से कम के लिए, यानी कि एक साल से कम के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 15% बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस अदर सेस दैट मे बी एप्लीकेबल। यानी कि आपको यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट टाइप के जो टैक्सेस हैं वो यहाँ आपको पे करने पड़ेंगे, जो क्या होता है 15%, उसमें कुछ बेसिक टैक्स आ जाते हैं, कुछ हमारे सर्च आ जाता है। अब ये देखो आपको इतना मगजमारी नहीं करनी है, सीधा सीधा याद करना है कि अगर हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1% का इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, और हम शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें 15% का बेसिक टैक्स यहाँ पे करना पड़ता है। सो
टू अंडरस्टैंड कैपिटल गेन टैक्सेशन डेफिनेशन ऑफ इक्विटी एंड डेब्ट स्कीम मस्ट बी अंडरस्टूड सिमिलरली डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म मस्ट ऑल्सो बी अंडरस्टूड। यानी कि हमें बोला है कि अगर हम जानना चाहते हैं कि किस तरह से कैपिटल गेन टैक्सेशन किया जाता है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि अगर आप किस तरह से अपने पैसे पे आप किस तरह का टैक्स दे रहे हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको इक्विटी और डेब्ट स्कीम्स दोनों के बारे में पता होना चाहिए। इक्विटीज़ क्या होती है, जब हम कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। डेब्ट स्कीम में हमारे डिबेंचर्स बॉन्ड्स ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप कैपिटल गेन टैक्सेशन को समझ पाओगे। तो अब देखो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या दिया है, यहाँ पर इन्होंने हमें समझाने का ही काम किया है। यहाँ पर देखो क्या दिया है, इक्विटी स्कीम्स के बारे में दे रखा है। तो देखो मैं आपको मतलब पढ़ाती हूँ कि इक्विटी स्कीम्स में क्या दिया है। तो देखो बात करें अगर हम क्या दिया है, इक्विटी स्कीम सबसे पहला टॉपिक हमारा इक्विटी स्कीम्स ही है। तो देखो पहला पॉइंट, एज पर सेबी रेगुलेशन एनी स्कीम विच हैज़ मिनिमम 65% ऑफ इट्स एवरेज वीकली नेट असेट इन्वेस्टेड इन इंडियन इक्विटीज इज एन इक्विटी स्कीम। अब देखो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने इक्विटी स्कीम में इन्वेस्ट किया या फिर डेब्ट स्कीम में, तो आप कैसे बताओगे, ये सोच के कि आपने अपने 10 शेयर इक्विटी के खरीदे और आपने 15 शेयर डेब्ट में लगा, मतलब 15 बॉन्ड खरीद रखे या 2 बॉन्ड खरीद रखे, ऐसे करके बताओगे? नहीं। अगर आपकी जो हमारी सेबी रेगुलेशन है उसके हिसाब से हम कैसे पता कर पाएंगे कि हमने इक्विटी स्कीम्स में इन्वेस्ट किया या डेब्ट स्कीम में, अगर जो इन्वेस्टर है उसका मिनिमम यानी कि कम से कम 65% एवरेज वीकली नेट असेट्स यानी कि उसके मिनिमम 65% के असेट्स कहाँ लगे हुए हैं, इक्विटीज़ में लगे हुए हैं इन्वेस्टर के, तो वो क्या कहलाएगी, तो इन्वेस्टर ने कहाँ इन्वेस्ट कर रखा है, इक्विटी स्कीम में इन्वेस्ट कर रखा है। फॉर एग्जांपल आपके पास 100 रुपये हैं और आपने 100 में से 65 रुपये, कम से कम 65 रुपये आपने क्या करे, इक्विटी स्कीम्स में इन्वेस्ट कर दिए, और बाकी के बचे यानी कि कितने बचे, हम यहाँ पे देखो 60 यानी कि यहाँ पे आपके बचे 35। तो अगर 35 जो रुपीज़ आपके बचे हैं वो अगर आपने डेब्ट स्कीम में लगा दिए, बॉन्ड डिबेंचर जो भी आपको खरीदना है उसमें खरीद लिए, तो अब आपने कहाँ इन्वेस्ट कर रखा है, आपने मिनिमम अपना 65% कहाँ लगा रखा है, इक्विटी स्कीम्स में। तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, इक्विटी स्कीम वाली इन्वेस्टमेंट कहलाएगी, कि अगर आपने क्या किया इंडियन इक्विटीज़ में इन्वेस्ट कर रखा है तो वो इक्विटी स्कीम कहलाती है। अब देखो सेकंड बात हमें क्या दी है, सेकंड पॉइंट दिया है, इफ़ द म्यूचुअल फंड यूनिट ऑफ एन इक्विटी स्कीम आर सोल्ड रिडीम्ड रीपर्चेस्ड आफ्टर 12 मंथ्स द प्रॉफिट इज एक्सटेम्प्ट। यानी कि अगर हम म्यूचुअल फंड की यूनिट्स में क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, पर मैं क्या बोला है कि अगर आप क्या करते हो म्यूचुअल फंड की इक्विटी स्कीम में इन्वेस्ट करते हो तो आपको 12 महीने के बाद क्या मिलता है, प्रॉफिट आपको जो इन्वेस्टर है उसे एक प्रॉफिट दिया जाता है, क्योंकि आपने क्या किया एक 12 महीने तक लॉन्ग टर्म के लिए आपने इन्वेस्ट करके रखा है, तो आपको एट द एंड क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। थर्ड पॉइंट दिया है, हाउएवर इफ यूनिट आर सोल्ड बिफोर 12 मंथ इट रिजल्ट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, द इन्वेस्टर हैव टू पे 15% एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। जैसे कि हमने पढ़ रखा है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो 0% टैक्स, और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो 15% का टैक्स। तो अगर आप क्या करते हो, आपने म्यूचुअल फंड की इक्विटी स्कीम की यूनिट्स खरीदी और आपने क्या किया, उन्हें 12 महीने से पहले पहले ही यानी कि 12 महीने एक साल नहीं होने दिया और 12 महीने के बीच में ही आप क्या करने क्या कर दिया, उस यूनिट को बेच दिया, तो आपके हिसाब से देखा जाए तो आपने क्या किया, शॉर्ट टर्म के लिए ही तो इन्वेस्ट किया, 12 महीने से पहले ही आपने बेच दिया, तो यहाँ पे आपने शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट किया, तो अब जो आपको प्रॉफिट होगा ना उसमें से आपका 15% कहाँ जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में चला जाएगा। यानी कि आपने जो छोटे समय में कैपिटल कमाया है उसमें से अब आपको 15% का टैक्स यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। फोर्थ पॉइंट दिया है, वाइल एग्जिटिंग द स्कीम द इन्वेस्टर विल हैव टू बियर अ सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स STT 0.001% ऑफ द वैल्यू ऑफ सेलिंग प्राइस। यानी कि इतना छोटा प्राइस है सच में, 0.001%, ये आपको यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा। बताओ कि देखो अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आपने इन्वेस्टर हो, आपने अपना पैसा इन्वेस्ट किया, अब आप क्या कर रहे हो, आप उस स्कीम से एग्जिट ले रहे हो यानी कि आप रिडीम कर रहे हो स्कीम को, आप उस स्कीम में से बाहर आना चाहते हो, तो अब यहाँ पे आप क्या करना पड़ेगा, जो इन्वेस्टर है उसे यहाँ पे सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स यहाँ पे करना पड़ेगा, और वो कितना परसेंट है, 0.001% का आपको यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा, इतना छोटा सा प्राइस आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो देखो हाउएवर इन ऑल अदर स्कीम्स हैव टू पे कैपिटल गेन टैक्स आइदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, इन केस ऑफ स्कीम इन्वेस्टेड 100% इन फॉरन इक्विटीज देन सच अ स्कीम इज नॉट कंसिडर्ड टू बी एन इक्विटी स्कीम फ्रॉम टैक्सेशन एंगल एंड इन्वेस्टर हैज़ टू पे टैक्स इवन ऑन द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम सच अ स्कीम। अच्छा देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात दी है इस पैराग्राफ में, क्या बोला है, अच्छा एक मिनट आपको शो करती हूँ अच्छे से, एक मिनट बस है ना।
देखो यहाँ क्या बोला है, इसमें मैं बोला है कि देखो अगर आप इन्वेस्टर हो और आपने क्या किया, अब देखो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि जो एक स्कीम में टैक्स आप पे कर रहे हो वो आप हर स्कीम में उतना ही टैक्स पे करोगे। कुछ स्कीम जो होती हैं थोड़ा ज़्यादा आप टैक्स लेती है, कुछ स्कीम थोड़ा कम टैक्स लेती है, तो यहाँ पे टैक्स जो है वो थोड़ा थोड़ा ज़्यादा वेरी नहीं करता, थोड़ा बहुत तो वेरी करता है। तो देखो अगर आप क्या करते हो, इन्वेस्टर इन ऑल अदर स्कीम्स हैव टू पे कैपिटल गेन्स, यानी कि जो भी हमारी अलग अलग स्कीम है तो उसमें हमें कैपिटल गेन टैक्स क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। और एक और बात, जैसे कि हमने कहा था कि अगर आप 65% क्या करते हो, इन्वेस्ट करते हो इक्विटी स्कीम में, किसकी इक्विटी स्कीम में, इंडिया की इक्विटी स्कीम में, तो वो आपकी इक्विटी स्कीम कहलाएगी, सॉरी 65% अगर आप इन्वेस्ट करते हो इंडियन इक्विटीज़ में तो क्या कहलाएगा, वो इक्विटी स्कीम कहलाएगा। और इस पर आपको कोई भी इंटरेस्ट, सॉरी इस पर आपको कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो। बट अगर आप क्या करते हो, अगर आपने जो भी आपका पैसा है, आपने इक्विटीज़ अगर खरीदी हैं और आपने 100% इक्विटीज़ क्या खरीदी हैं, फॉरेन कंट्री की इक्विटीज़ में इन्वेस्ट कराया, यानी कि आपने फॉरेन कंपनीज़ में इन्वेस्ट कराया अपना पैसा और 100% इक्विटीज़ कहाँ की हैं, फॉरेन कंट्री की हैं, तो फिर क्या होगा, तो फिर वो इक्विटी स्कीम नहीं कहलाएगा। इंडिया में ऐसा नहीं चलता कि आपने किसी भी बाहर वाले देश की कंपनी की इक्विटी में खरीद लिया अपना शेयर और फिर वो इक्विटी स्कीम कहलाएगा, नहीं। अगर आप किसी फॉरेन कंट्री की कंपनी की इक्विटीज़ खरीद रहे हो और अगर आपने 100% फॉरेन इक्विटी खरीद रखी है, तो फिर वो टैक्सेशन के एंगल से कोई भी इक्विटी स्कीम नहीं कहलाई जाएगी। और भले ही आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करो चाहे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो, अगर आप फॉरेन इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स यहाँ पे करना ही करना पड़ेगा, चाहे फिर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो। तो अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करोगे, फॉरेन कंट्रीज़ की इक्विटी में इन्वेस्ट करोगे तो आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा। तो ये बात हमारी यहाँ पे क्या होती है, कंप्लीट होती है। अब देखो मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ दिखाती हूँ, जिसमें मैं दिया है म्यूचुअल फंड स्कीम अदर देन इक्विटीज़, दैट इज़ फंड लिक्विडिटी स्कीम, गोल्ड ETF, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स फंड एक्सेट्रा। तो मैं आपको पहले से अच्छे से शो कर देती हूँ, उसके बाद मैं आपको पढ़ाती हूँ कि इसमें दिया क्या है। तो यहाँ देखो हमें क्या बोला है कि अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हैं, जिसमें हम इक्विटीज़ की अब बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, डेप्ट फंड की, लिक्विड स्कीम्स की, गोल्ड ETFs की, शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड्स की, इन सब की हम बात कर रहे हैं। तो देखो ऑल अदर फंड्स अदर देन इक्विटी, यानी कि अगर आप इक्विटी फंड के अलावा डेप्ट स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अब यहाँ पे देखो इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करते हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है आपका 12 महीने का, और अगर आप डेप्ट में इन्वेस्ट करते हो तो आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो क्या है, 36 महीने का। यानी कि ये क्या हो जाएगा, 36 महीने इन द सेंस आप इसे डिवाइड कर दो 12 से, 12 मंथ 12, 12 24, 12 3 36, तो 36 मंथ यानी कि 3 साल, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया यहाँ पे हमारा 3 ईयर्स का, ठीक है। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या है, 3 ईयर से कम का, 3 साल से कम अगर आप डेप्ट इन्वेस्टमेंट डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हो तो फिर क्या हो जाएगा, वो शॉर्ट टर्म हो जाएगा डेप्ट स्कीम्स में, और लॉन्ग टर्म क्या हो जाएगा, 3 साल से या फिर 3 साल से ज़्यादा वाला टाइम पीरियड। रेजिडेंट 20% विद इंडेक्सेशन बेनिफिट, FII 10% विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट्स। अच्छा देखो क्या बोला, इसमें हमें टैक्स बता रखा है कि किस तरह से यहाँ पे हम टैक्स पे करते हैं। तो ये जो हमारे रेजिडेंट्स हैं, तो यहाँ पे हमें ये बता रखा है कि म्यूचुअल फंड में अगर हम क्या करते हैं, डेप्ट स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं तो किस तरह से हमसे जो टैक्स है वो लिया जाता है। तो देखो अगर हम अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, यानी कि आप 3 साल से, 3 साल के लिए या फिर 3 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए अगर आप क्या करते हो, डेप्ट स्कीम में इन्वेस्ट करते हो, तो यहाँ पे आपको 20% का टैक्स देना पड़ेगा विद इंडेक्सेशन बेनिफिट्स। यानी कि अब इंडेक्सेशन बेनिफिट होते क्या है, ये हमारा नेक्स्ट पेज, हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही है, तो उसमें हम पढ़ लेंगे। और FII क्या है, इस ये भी से भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, ये भी एक पूरा एक प्रॉपर टॉपिक है। तो देखो 10% विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट और 20% विद इंडेक्सेशन बेनिफिट्स। तो अब आप सोच रहे हैं इंडेक्सेशन बेनिफिट है क्या, तो वो तो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ ही लेंगे। बट अभी आप ऐसा समझ लो कि अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हो तो आपको यहाँ पे 20% का इंटरेस्ट, सॉरी 20% का टैक्स अलग से और 10% का टैक्स अलग से पे करना पड़ता है। और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो यहाँ पे आपको मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स प्रॉफिट एडेड टू इनकम, यानी कि अब यहाँ पे आपकी एक मार्जिन सेट कर दी जाएगी कि जितना भी आपका प्रॉफिट आया है उसके हिसाब से एक मार्जिन सेट कर दी जाती है और उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ता है, टैक्स यहाँ पे करना पड़ता है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरह से हम टैक्स पे करते हैं। कि देखो कुछ कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं कि आपको 20% टैक्स यहाँ पे करना है, 10% टैक्स यहाँ पे करना है, जो भी आपका प्रॉफिट हुआ है उस पर हमें कितना मार्जिन से हम सेट करके कितना हम टैक्स पे करेंगे। तो इस तरह से हमारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स में, डेप्ट स्कीम्स में हम इस तरह से हम टैक्स पे करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट पेज है उसे भी हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ देखो यहाँ में पहला पॉइंट क्या दिया है, इन सच केस
इन सच केस, इन केस सच यूनिट्स आर सोल्ड विद इन 36 मंथ, द गेन इज ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, द सेम इज एडेड टू द इनकम ऑफ द टैक्स पेयर एंड इज टैक्सड एज पर द एप्लीकेबल टैक्स स्लैब इंक्लूडिंग एप्लीकेबल सरचार्ज एंड सेस डिपेंडिंग ऑन द स्टेटस ऑफ द टैक्स पेयर, दिस इज नोन एज टैक्सेशन एट द मार्जिनल रेट। यानी कि अगर आपने क्या किया, 3 साल से पहले ही अपनी सिक्योरिटी को क्या कर दिया, बेच दिया, और फिर आपने क्या किया, आपने उससे एक रिटर्न जनरेट किया, तो यहाँ पे ये क्या माना जाएगा, ये अब यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा, क्योंकि आपने क्या किया, 3 साल से पहले ही अपनी सिक्योरिटी को सोल्ड कर दिया, तो वो एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ। तो अब जब हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन करते हैं तो हमें मार्जिनल टैक्स यहाँ पे करना पड़ता है। तो अब वो कैसे पे होगा कि जो भी इन्वेस्टर है, जिसे भी टैक्स पे करना है, जिसने भी अपनी सिक्योरिटी को बेचा है, उस पर अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो, द सेम इज एडेड टू द इनकम टैक्स पेयर एंड टैक्स पर एप्लीकेबल सरचार्ज। अब देखो, जितना भी उसका प्रॉफिट होता है तो उसके हिसाब से उस पर क्या किया जाता है, सरचार्जेस और डिपेंडिंग जो भी उसके टैक्सेस हैं वो सब क्या कर दिए जाते हैं, ऐड कर दिए जाते हैं, और उसके प्रॉफिट में से ही क्या कर दिया जाता है कि जो भी, जैसे अगर आपका फॉर एग्जांपल अगर आपका 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो उसके हिसाब से आपका जितना भी सरचार्ज है उसको हम क्या कर देंगे, उस 2 लाख के प्रॉफिट में ऐड कर देंगे, और आपको वो जो टैक्स बनता है, जो भी आपका सरचार्ज बनता है, वो चार्ज आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, टैक्सेशन एट द मार्जिनल रेट बोलते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। सेकंड पॉइंट अगर देखें, अब यहाँ पे बात हो रही है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। सो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज व्हेन द यूनिट आर सोल्ड बियॉन्ड 36 मंथ। यानी कि अगर आप 3 साल के बाद अपनी सिक्योरिटीज को बेच रहे हो, 3 साल के बाद अगर आपको अपना प्रॉफिट मिल रहा है, तो क्या है वो, तो वो है हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब इसमें देखो पहला पॉइंट क्या है, फॉर रेजिडेंट इन्वेस्टर 20%। अब देखो रेजिडेंट इन्वेस्टर्स के लिए क्या होता है, 20% का इंटरेस्ट यहाँ पे, सॉरी 20% का टैक्स, इंटरेस्ट को ज़्यादा ही बोल रही हूँ मैं। देखो 20% का टैक्स यहाँ पे इन्हें क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है, जो भी उनका सरचार्ज है उसे जोड़ जाड़ के, जो भी अलग 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 टैक्स हैं उन सभी को जोड़ के आपको क्या करना पड़ता है, विद इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन हम यहाँ पे पढ़ेंगे, तो जो भी हमारा इंडेक्सेशन बनता है, जो भी हमारे अलग अलग चार्जेस बनता है, उन सबको जोड़ के जो रेजिडेंट इन्वेस्टर हैं उन्हें क्या करना पड़ता है, 20% का चार्ज पे करना पड़ता है। और सेकेंड जो हमारे FII जो हैं, है ना, अभी FII क्या है, ये भी हमें इंडेक्सेशन में दे रखा है, तो ये मैं आपको पढ़ा दूंगी। सो FII में आपको क्या करना पड़ता है, 10% का बेसिक टैक्स यहाँ पे आपको पे करना पड़ता है। और ये क्या होता है, ये भी हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए ही है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखो ये इंडेक्सेशन टैक्स होता क्या है, यानी कि इंडेक्सेशन बेनिफिट होता क्या है। देखो, इंडेक्सेशन इज द प्रोसीजर बाय विच द इन्वेस्टर कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम द फैक्ट दैट इन्फ्लेशन हैज इरोडेड हिज रिटर्न। इंडेक्सेशन वर्क ऑन द सिंपल कॉन्सेप्ट दैट इफ एन इन्वेस्टर बाय अ यूनिट रुपीज 10 एंड सेल रुपीज 30 आफ्टर 5 years, then his profit of ₹20 per unit need to be adjusted for the inflation increase during the same time period. This is because inflation reduces purchasing power. What ₹100 could brought when he bought the unit 10 would now have increased in price due to inflation. Thus, he can buy less in the same ₹100. If during the same time inflation has increased by 12%, then the adjusted cost of their purchase at the today's price would be 10 × 1 + 12% = 11.2. So his profit would not be 20 but ₹30 − 11.2 = 18.8. अच्छा देखो, आप सोच रहे हो मैं क्या पढ़ा रही हूँ ना, आप सुना, देखो आपको सीधा सीधा बता दूँ, तो पैराग्राफ तो मैंने पढ़ दिया। देखो, इंडेक्सेशन बेनिफिट क्या होता है कि इंडेक्सेशन बेनिफिट हमारा एक बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है, जिसमें क्या होता है, जिसमें बस इन्वेस्टर्स जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो इन्फ्लेशन के हिसाब से काम करते हैं। यानी कि इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। अब फ्यूचर में ऑब्वियस ही बात है, महंगाई बढ़ेगी, अब घटने तो वाली नहीं है। आपको अभी से ही पता चल रहा है कि पहले जो चीज़ हम 100 रुपये में खरीद लेते हैं, आज वो 500 रुपये की आती है, तो क्या हो गया, महंगाई बढ़ गई ना। पहले सिलेंडर 500 का आता था, आज सिलेंडर 1000 का आता है, तो क्या हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है ना। तो यही चीज़ हमें बता रखी कि इंडेक्सेशन बेनिफिट में क्या होता है कि जब इन्वेस्टर अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, तो इंडेक्सेशन बेनिफिट क्या करता है कि इन्वेस्टर को उसके इन्फ्लेशन से उसका रिटर्न कम ना हो, मतलब महंगाई के चलते उसका रिटर्न खराब ना हो जाए, इसके लिए बेनिफिट कौन प्रोवाइड कराता है, इंडेक्सेशन बेनिफिट। उसको कौन बेनिफिट प्रोवाइड कराता है, इंडेक्सेशन यहाँ पे इन्वेस्टर को बेनिफिट प्रोवाइड कराता है। तो अब अगर हम बात करें ये कैसे प्रोवाइड कराता है, तो देखो फॉर एग्जांपल कि आपने 10 रुपये में आज एक यूनिट खरीदी, और आपने 5 साल के बाद उस यूनिट को 30 रुपये में बेच दिया, तो आपने 10 में खरीदी थी, 30 में बेच दिया, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ, आपका प्रॉफिट हुआ 20 रुपये का। बट अगर सोचो
कि आपका, अब ये देखो ये तो बस ये बता रखा है कि जैसे इन्फ्लेशन बढ़ जाती है तो महंगाई बढ़ जाती है, तो हमारे जो चीज़ों के दाम है वो भी बढ़ जाते हैं। तो हमें यही बोला है कि अगर सेम टाइम पे अगर इन्फ्लेशन क्या होती 12% होती उस टाइम पे जब हमने 10 रुपये की यूनिट खरीदी थी, तो अगर हमने 10 रुपये की यूनिट खरीदी थी और इन्फ्लेशन क्या हो जाए, महंगाई क्या हो जाए, 12% हो जाए, तो यहाँ पे अब ये इंडेक्सेशन बेनिफिट किस तरह से एडजस्ट करेगा पैसे को कि आपका जो प्राइस है वो प्लस में 1 प्लस में आपका इंटरेस्ट रेट, तो यानी कि आपने यूनिट खरीदी 10 रुपये में, 1 प्लस में आपका इंटरेस्ट रेट क्या है, सॉरी इन्फ्लेशन रेट क्या है 12% का। अब इसे कैलकुलेट करोगे तो क्या आंसर आएगा, 11.2। तो अब देखा जाए तो आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा था, 20 रुपये का हो रहा था, कि 10 माइनस 30 आ गया। तो यहाँ पे देखा जाए इन्फ्लेशन के हिसाब से अगर हम चले तो क्या होगा, अब आपका जितने का यहाँ पे क्या हुआ है, आपने यूनिट जो खरीदी वो समझो कि आपने 11.2 के हिसाब से खरीदी होगी, क्योंकि अगर 12% का इन्फ्लेशन हो जाएगा तो यूनिट का जो प्राइस है वो भी तो बढ़ जाएगा ना। तो अब यहाँ पे अगर हम क्या करें, 30 माइनस जो आपने प्रॉफिट कमाया 30 का, 30 माइनस अगर आपकी यूनिट जो आपने परचेज करी वो माइनस कर दे, तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 18.88 का हो जाएगा। तो यहाँ पे सीधा सीधा हमें समझा रखा है कि आपने जो प्राइस में जो यूनिट आज खरीदी है, ज़रूरी नहीं कि आप वो 2 साल बाद 10 साल बाद उसी प्राइस में खरीदो। तो फॉर एग्जांपल कि अगर आपके महंगाई क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो आपका प्राइस भी बढ़ जाएगा यूनिट खरीदने का, और यूनिट खरीदने का प्राइस बढ़ जाएगा तो आपका जो आपका रिटर्न है, जो आपका प्रॉफिट है, उसमें भी क्या आता है, एक चेंज यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। सो द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स इज नोटिस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम 1981 अप टू 2015-16 द सेम इज यूज्ड बाय द टैक्स पेयर फॉर कैलकुलेटिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। तो यानी कि जो हमारा कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन टैक्स इंडेक्स है ना, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स यानी कि इंडेक्सेशन बेनिफिट्स, ये हमारा कौन संभालता है, ये संभालती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अब देखो एक एग्जांपल इन्होंने हमें यहाँ पे दे रखा है, आप एग्जांपल के थ्रू शायद अच्छे से समझोगे। तो देखो मैं आपको शो करती हूँ, देखो क्या दिया है, एन इन्वेस्टर परचेज म्यूचुअल फंड यूनिट इन जनवरी 2006 ऑफ ₹10,000 यानी कि 10,000 में उसने क्या करा, म्यूचुअल फंड की यूनिट खरीदी, कब, जनवरी 2006 में। द सेम, अच्छा देखो, द सेम वॉज सोल्ड इन द प्रीवियस ईयर ऑफ फॉर ₹25,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एप्लीकेबल इज एज फॉलो, कि समझो कि आपने आज एक यूनिट खरीदी जो 10,000 में है, और पिछले ही साल वो यूनिट क्या थी, 25,000 में बिकी थी। तो अब यहाँ पे हमें कुछ समझना है, अब समझना क्या है वो हमें यहाँ पे समझाया जाएगा। तो देखो FII जिसके भी हम बात कर रहे थे, तो विदाउट अवेलिंग इंडेक्सेशन बेनिफिट पे 10% ऑन ₹15,000, 25,000 माइनस 10,000 इज इक्वल टू 1,500 रुपये। यानी कि यहाँ पे सीधा सीधा देखो कि अगर आप क्या करते हो, FII यहाँ पे क्या है, ये हमारा FII हमारा टैक्स होता है। तो यहाँ पे देखो कि अब यहाँ पे हमारा इंडेक्सेशन बेनिफिट लग रहा है, कि सोचो कि इंसान ने पहले क्या करा, 25,000 में से बेच दिया और आज 10,000 में खरीद रहा है, तो 25,000 माइनस 10,000 करोगे तो आपका क्या प्राइस आएगा, 15,000 का आएगा। और आपका FII का जो टैक्स होता है वो क्या होता है, 10% का होता है। तो अगर आप 15,000 का अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हो, तो 15,000 का 10% अगर आप टैक्स दोगे तो कितना दोगे, 1,500 रुपये दोगे। सो आई होप आपको अब समझ में आया होगा कि किस तरह से हम टैक्स को पे करते हैं, यानी कि आपका जो भी प्रॉफिट है उसमें से आपका 10% का टैक्स यहाँ पे आपका पे हो गया, 1,500 रुपये का। 15,000 में से आपने 1,500 रुपये क्या कर दिए, टैक्स के रूप में आपको दे दी, आपने दे दिए। अब रेजिडेंट का अगर हम बात करें, सो कैलकुलेट इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ₹10,000 मल्टीप्लाई बाय 1081 डिवाइडेड बाय 497 इज इक्वल टू। अब देखो ये कैलकुलेट करने के इनके अपने अपने तरीके होते हैं, अब आप कहोगे हमें भी कैलकुलेट करना है, तो नहीं अभी आपको कैलकुलेट नहीं करना है, आपके लाइफ में अभी एकदम मस्त चल रहा है, कोई न्यूमेरिकल्स वाली प्रॉब्लम नहीं है, अभी आपको ये कैलकुलेट करके अपना दिमाग नहीं ख़राब करना, तो अभी आप एकदम बिंदास रहो। तो देखो यहाँ पे मैं रेजिडेंट का जैसे हम कैलकुलेट करते हैं, तो रेजिडेंट का टैक्स क्या होता है, 20% का होता है। तो यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए जो आपका प्राइस है वो, उसे मल्टीप्लाई कर दो 1081 डिवाइडेड बाय 497 से, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी वैल्यू आ जाएगी 21,751 रुपये। तो आप 25,000 में से अगर आप 21,751 माइनस करोगे तो आपका प्राइस क्या आएगा, आपका प्राइस आएगा 3,249। तो अब यहाँ पे 3,249 का 20% का अगर आप टैक्स निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 650। तो इस तरह से हम जो है वो टैक्स यहाँ पे करते हैं। अब आपको टैक्स जब आप पे करोगे तो वो आपकी सरदर्दी नहीं है कि आपको कितना टैक्स पे करना है, वो सामने वाला इंसान आपको बता देगा कि भैया देखो आपको इतना पैसा हमें देना पड़ेगा टैक्स के रूप में, तो इसलिए ज़्यादा परेशान मत होना। अब देखो बात करते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स की, यानी कि अब जब आप डिविडेंड जो हमें मिल रहा है अब वो हम उसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी तो भैया कुछ टैक्स लगेगा ना, कि भाई प्रॉफिट तो बहुत कमा लिया, आप कुछ टैक्स भी दे दो सरकार को। तो देखो
द डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाई म्यूचुअल फंड इन रिस्पेक्ट ऑफ वेरियस स्कीम इज एक्सटेम्प्ट फ्रॉम टैक्स इन हैंड ऑफ द इन्वेस्टर. इन केस ऑफ डेप्ट म्यूचुअल फंड द AMC आर रिक्वायर्ड टू पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स DDT फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम. दिस इंश्योर इज इन टैक्स कलेक्शन. हाउएवर इन केस ऑफ इक्विटी फंड नो DDT इज पेएबल. यानी कि अब देखो अगर आप क्या करते हो, जैसे कि आप डिविडेंड तो हमें डिक्लेयर करना ही पड़ता है क्योंकि जो भी इन्वेस्टर अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा वो क्या चाहेगा, रिटर्न में एक डिविडेंड अपने पास चाहेगा ताकि उसे प्रॉफिट हो. तो अगर हम डेप्ट म्यूचुअल फंड की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, जो AMC होती है यानी कि असेट मैनेजमेंट कंपनी, वही क्या करती है एक ही बार में कलेक्टिवली, वो क्या करती है, वैसा नहीं कि एक एक इंसान को दे रही है, वो क्या करेगी, AMC आर रिक्वायर्ड टू पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम. अब यानी कि जो भी उसके पास पैसा है, यानी कि AMC के पास में जो भी उसका डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम है, जो पैसा वो इन्वेस्टर्स में बांटने वाली है, उस पैसे में से जो भी डिविडेंड का टैक्स बनता है, डिविडेंड ये देखो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो भी बनता है उस डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम से, यानी कि जो AMC है उसके पास में जो पैसा है उसमें से अब जो भी हमारा रिक्वायर्ड टैक्स जो हमें पे करना है उस अमाउंट में से AMC क्या करेगी, पे कर देगी. और दिस इंश्योर, अब देखो यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, अब ऐसा नहीं कि आप एक एक इन्वेस्टर से जाके टैक्स मांग रहे हो, यहाँ पे आपने डायरेक्ट AMC से टैक्स मांग लिया. क्यों, ताकि इससे क्या हो, यहाँ पे टैक्स कलेक्ट करने में क्या होता है, बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है. बट अगर हम वही बात करें इक्विटी फंड की, तो यहाँ पे कोई ऐसा DDT वाला टैक्स फंड सॉरी टैक्स पेबल नहीं है, तो DDT वाले यहाँ पे कोई परेशानी है नहीं. अब देखो द रेट फॉर DDT RS फॉलो, यानी कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स. अब यहाँ पे अलग अलग टैक्स के हमारे रेट्स होते हैं, तो जैसे कि फॉर इंडिविजुअल एंड HUFs 25% का यहाँ पे हमारा क्या होता है, DDT होता है, यानी कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स. यानी कि अगर आप कोई इंडिविजुअल हो, HUF हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो भी टैक्स है वो आपको 25% का पे करना पड़ेगा. और जो अदर्स हैं, अब यहाँ पे देखो आप सोचोगे ये मतलब क्या रेट ऑफ टैक्स ये इन्होंने कैसे डिसाइड कर रखा है, तो अभी जब आप किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट करोगे ना, तो आपका रेट ऑफ टैक्स आपको बता दिया जाता है कि आपको देखो एट द एंड जो आप प्रॉफिट कमाओगे उसमें से आपको इतना टैक्स पे करना पड़ेगा. तो सोचो कि अगर आप इंडिविजुअल और आपने इन्वेस्ट किया, तो आपको जब आपका प्रॉफिट मिल जाएगा तो उसमें से आपको 25% का टैक्स पे करना पड़ेगा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स में, है ना. और अगर आप अदर हो, अदर इन द सेंस कि अगर आपने कोई कम्युनिटी बना के आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपका 30% का यहाँ पे आपका टैक्स यहाँ पे पे आउट करना पड़ेगा. और ऑन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू अ नॉन रेजिडेंट और टू अ फॉरेन कंपनी बाय इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड 5%. यानी कि अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप कोई फॉरेन कंपनी में अगर आपने क्या कर रखा है, फॉरेन कंपनी से अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप नॉन रेजिडेंट हो, आप यहाँ के रेजिडेंट नहीं हो, आप किसी और कंट्री के हो, या फिर आप फॉरेन कंपनी से क्या कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपका 5% का टैक्स यहाँ पे आपको पे करना पड़ता है. तो ये पेज हमारा पूरा कंप्लीट हो गया. तो ये हमने यहाँ पे अपना कंप्लीट कर लिया है. तो आई होप मैंने आपको आज जितना भी पढ़ाया है, ये इंडेक्सेशन बेनिफिट और ये कैपिटल गेन टैक्सेशन, तो जो कुछ भी आज मैंने आपको पढ़ाया वो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा. तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है FMPs वाला, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे. तो आई होप मैंने जो भी आपको समझाया वो आपने अच्छे से कनेक्ट किया होगा, सब आप समझ पाए होंगे. फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वो मैं आपको ज़रूर क्लियर कर दूंगी. तो बस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़. थैंक यू फॉर वॉचिंग.